हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे वी ऑर्बिट। आशा है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, बेस्ट साइकेट्रिस्ट इन पटना, यानी कि पटना के सबसे अच्छे मनोरोग चिकित्सक। आज इन्हीं चिकित्सक के बारे में आपसे बातें करेंगे और वो कौन कौन हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानें कि मनोचिकित्सक क्या करते हैं, मनोरोग चिकित्सक किसे कहते हैं और वो किन किन रोगों का इलाज करते हैं और इनसे कब मिलना चाहिए। इन बिंदुओं पर पहले ध्यान देते हैं क्योंकि इसको जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि मनोचिकित्सक किसे कहते हैं। दोस्तों, मनोचिकित्सक वे डॉक्टर होते हैं जो मानसिक बीमारी का निदान, उपचार और रोकथाम करते हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का एक प्रकार है जिन्हें मानसिक बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य के मूल्यांकन, निदान और उपचार में प्रशिक्षित किया जाता है। वे विभिन्न प्रकार के उपचार प्रदान करते हैं जिनमें थेरेपी, दवा और अन्य हस्तक्षेप शामिल हैं। मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है कि मूल्यांकन और निदान। वे मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते हैं। वे लक्षणों, विचारों और व्यवहारों का आकलन करके मानसिक बीमारी का निदान करते हैं। इसके साथ साथ उपचार में वे विभिन्न प्रकार के उपचार प्रदान करते हैं जिनमें थेरेपी, दवा और अन्य हस्तक्षेप शामिल हैं। इसके साथ साथ थेरेपी, वे विभिन्न प्रकार की थेरेपी प्रदान करते हैं जैसे कि संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी जिसे CBT कहते हैं, इंटरपर्सनल थेरेपी यानी IPT और मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी। थेरेपी लोगों को अपनी मानसिक बीमारी को समझने, स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करने और अपने जीवन में सुधार करने में हेल्प कर सकती है। इसके साथ साथ दवा भी ये देते हैं, वे लक्षणों को कम करने और मानसिक बीमारी के प्रबंधन में हेल्प करने के लिए दवा ले सकते हैं। इसके साथ साथ वे अन्य हस्तक्षेप भी प्रदान कर सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोकॉन्वल्सी थेरेपी जिसे ECT कहते हैं और ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जिसे TMS कहते हैं और इसके ज़रिए भी वे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये थे इनके इलाज करने के तरीके। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इनसे कब मिलना चाहिए, यानी कि मनोचिकित्सक से कब मिलना चाहिए। यदि आप मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं जैसे कि उदासी, चिंता, डिप्रेशन, क्रोध या भ्रम, ऐसी स्थिति में आप हैं तो इन साइकेट्रिस्ट से आपको संपर्क करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप सोने, खाने या ध्यान केंद्रित करने में आपको परेशानी हो रही है तो इस अवस्था में भी आप इन मनोचिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, यदि आप मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के कारण काम या स्कूल में काम करने में असमर्थ हैं, यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं यानी इस तरह के आप अवस्था में हैं और आप को इस तरह के लक्षण आप में दिख रहे हैं तो आपको एक मनोचिकित्सक की ज़रूरत है और आप एक अच्छे मनोचिकित्सक से अपना ट्रीटमेंट लेकर के फिर से आप एक स्वस्थ इंसान बन सकते हैं। तो इसी बारे में आज मैंने इस वीडियो में पटना के सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे मनोचिकित्सक के बारे में आपको जानकारी दी है। तो चलिए उन मनोचिकित्सक को देखते हैं कि वो कौन कौन हैं। दोस्तों, पटना में बहुत सारे साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं लेकिन सभी का नाम लेना इस वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए मैंने आज केवल 3 ही साइकेट्रिस्ट के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है, जिनके नाम हैं डॉक्टर सचिनंद सिंह, दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर आलोक रंजन और तीसरे साइकेट्रिस्ट हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, उनका नाम है डॉक्टर विवेक प्रताप। तो आप इन तीनों मनोरोग चिकित्सक के बारे में इस वीडियो में
जानेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, ये हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, जो कि शांति न्यूरो साइकेट्री सेंटर में अपनी सेवा देते हैं। डॉक्टर सिंह एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं, जिनके 9 साल से अधिक का अनुभव है। वे अवसाद, चिंता, जुर्नी, बाध्यकारी विकार, OCD और व्यक्तित्व विकारों सहित विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को में अच्छे इनका पकड़ है, ये इसके विशेषज्ञ हैं। इनका सारा डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे प्रस्तुत है, इसे आप नोट कर सकते हैं और ताकि आपको संपर्क करने में आसानी हो। दूसरे डॉक्टर जो आपके स्क्रीन पे प्रस्तुत हो रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर आलोक रंजन। ये आशा लोक न्यूरोसाइकेट्री क्लिनिक में अपनी सेवा देते हैं। डॉक्टर रंजन 11 वर्षों से अधिक समय से मनोरोग चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं और इनको काफ़ी अनुभव है इस फील्ड में। उनके पास विभिन्न अस्पतालों और क्लिनिकों में काम करने का भी अनुभव है। वे कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का इलाज करते हैं। इनका सारा डिटेल्स आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत है, इसे आप नोट कर सकते हैं और इनसे मिल सकते हैं। इस वीडियो के तीसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह। प्रताप न्यूरो एंड चाइल्ड सेक्रेटरी क्लिनिक कम डे केयर डेडिकेशन में अपनी ये सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर सिंह पटना में एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और बाल मनोचिकित्सक हैं। इनके पास मनोचिकित्सा में MD न्यूरोलॉजी में डिप्लोमा और सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा सहित एक विविध पृष्ठभूमि है और ये पटना के बेस्ट साइकेट्रिस्ट हैं। तो इनके बारे में सारा डिटेल्स आपके स्क्रीन पे प्रस्तुत है, इसे आप नोट करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप जानकारी प्राप्त करते हैं पटना के बेस्ट साइकेट्रिस्ट के बारे में। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो उसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। इस वीडियो से जुड़ा आपके मन में कोई प्रश्न होगा, कोई सलाह होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ आज मैं लेता हूँ विराम और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।